चलिए यहाँ इसका योग सम पता करते हैं, या यूं कहें कि इस व्यंजक यानी एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पता करते हैं इस योग का मूल्यांकन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। यहां इसे हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहां इसे एक अलग तरीके से हल करेंगे। चलिए देखते हैं कि जब हम यहां एन बराबर एक रखते हैं या एन बराबर दो रखते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हुए एन बराबर सात तक रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। यहां इस स्थिति में हम सिग्मा संकेतन मतलब सिग्मा नोटेशन के कुछ गुणधर्मों को पता कर सकते हैं। तो चलिए इनको अलग अलग लिखते हैं। तो हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि अगर इस पूरे का योग जहां n बराबर एक, n बराबर दो और इसी तरह n बराबर सात है, तो यहां n का मान एक से सात के लिए तीन गुणा n के वर्ग का योग जमा यहां n का मान एक से सात के लिए दो n का योग जमा n का मान एक से सात के लिए चार का योग के समान होगा। और अगर आपको लगता है कि यह बहुत भ्रमित करने वाला है, तो मैं आपको प्रेरित करता हूं कि इन दोनों को प्रसारित एक्सपेंड करें, और तब आप देख सकते हैं कि जब हम इनके पदों को क्रम में लिखते हैं तो हमें ये दोनों चीजें मिलेंगी। हम यहां इसे कठिन तरीके से सिद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रसारित करते हैं तो देखेंगे कि यहां ये अनुचित नहीं है। और इन सब में इस अंतिम पद को सरल करना बहुत आसान है। यहां जब एन बराबर एक है तो ये चार के बराबर होगा, और जब एन बराबर दो है तब भी ये चार के बराबर होगा, जब एन बराबर तीन है तब भी ये चार के बराबर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि हम वास्तव में यहां चार को सात बार ले रहे हैं और तब उनका योग कर रहे हैं। तो इसका मूल्यांकन करने पर ये सात गुणा चार मतलब 28 होगा। अब चलिए यहां इस भाग को देखते हैं, एक बार फिर हम इसे अलग तरीके से हल करेंगे। तो यहां दो गुणा एक बराबर दो जमा दो गुणा दो बराबर चार है। तो हम कह सकते हैं कि हम यहां दो का पहला सात गुणा यानी मल्टीपल को एक साथ जोड़ते हैं, या जब आप इसे प्रसारित रूप में लिखते हैं तो हम इसे दो जमा चार जमा छह और इसी तरह जब ये एन बराबर सात तक हो जाएगा तो यहां 14 होगा। अब हम यहां दो को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, तो ये दो गुणा एक जमा दो जमा तीन और इसी तरह सात तक जाता है। तो हम इस भाग को यहां पुनः इस तरह लिख सकते हैं कि ये दो गुणा, ध्यान दें हम यहां दो को गुणनखंडन द्वारा बाहर कर रहे हैं, तो ये दो गुणा इस पूरे का योग यानी एन बराबर एक से सात के लिए एन के योग के बराबर है। और यहां हमारे पास 28 है जिसे हमें जोड़ना है, और यहां हम कोष्ठक लगा देते हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि 28 यहां इसका भाग नहीं है। और अब हम इसे भी समान तरीके से हल कर सकते हैं, जो यहां एन बराबर एक से सात के लिए तीन गुणा एन का वर्ग का योग है, और हम इसे ऐसे ही सरल करेंगे जैसे हमने बैंगनी रंग वाले पद को सरल किया था। तो ये तीन गुणा एन बराबर एक से सात के लिए एन का वर्ग के योग के समान होगा। हम यहां तीन को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल रहे हैं और यहां दो को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल रहे हैं, तो हम यहां एन का वर्ग लिख लेते हैं, और चीजों को स्पष्ट करने के लिए हम यहां कोष्ठक लगा देते हैं। और अब यहां इनमें से प्रत्येक का परिकलन करने के लिए सूत्र है। तो यहां इस चीज का परिकलन करने का एक सूत्र है और इस चीज का परिकलन करने के लिए भी एक सूत्र है। चलिए इसे देखते हैं। अब आप बहुत ही उत्सुक होंगे कि यह सूत्र क्या है। तो यहां इस व्यंजक का एक सूत्र है जो एन की घात तीन बटा तीन जमा एन का वर्ग बटा दो जमा एन बटा छह है। और इस भाग का एक सूत्र यहां है जो एन बराबर एक से सात, माफ कीजिए, चलिए इसे स्पष्ट कर लेते हैं, हम यहां एन के अंतिम मान को लिखेंगे, तो ये सात की घात तीन बटा तीन है। ध्यान दें हम यहां एन के इस मान को नहीं ले रहे हैं, हमने यहां ये बिना सोचे समझे सूत्र लिख दिया था। तो ये सात की घात तीन बटा तीन जमा सात का वर्ग बटा दो जमा सात बटा छह है, जो यहां इसका योग है। और इस योग को हम इस तरह देख सकते हैं कि ये पहला और आखिरी पद का औसत एवरेज है। तो इसका पहला पद एक है और आखिरी पद सात है, तो हम यहां इसका औसत लेते हैं और इसे पदों की संख्या के बराबर संख्या से गुणा करते हैं। तो यहां हमारे पास सात पद हैं। चलिए देखते हैं इसका परिकलन करने पर इसका मध्य मतलब मिडिल पद क्या प्राप्त होगा। अच्छा, तो एक गुणा, ध्यान दें यहां ये दो बाहर है और यहां इस भाग को हमने हरे रंग में लिखा है, इसलिए हमारे पास दो गुणा ये है और यहां तीन गुणा ये पूरा भाग है। अब अगर हम इस दो गुणा कोष्ठक एक जमा सात यानी आठ बटा दो को सरल करते हैं तो ये चार के बराबर है। तो ये चार गुणा दो यानी आठ गुणा सात बराबर 56 है। तो हम कह सकते हैं कि ये 56 है। चलिए अब इसे देखते हैं, अगर हम चाहें तो वास्तव में इसका परिकलन कर सकते हैं और हम यहां कैलकुलेटर की मदद से सात की घात तीन का मान निकालेंगे। आइए ऐसा ही करते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमारा समय बचेगा। तो चलिए इसकी गणना करते हैं। यहां हमारे पास सात की घात तीन बटा तीन जमा सात का वर्ग
बटा 2 जमा 7 बटा 6 है, जिसे सरल करने पर हमें 140 मिलता है। तो ये 3 गुणा 140 होगा, इसे हरे रंग में ही लिख लेते हैं। तो ये 3 गुणा 140 जमा 56 जमा 28 है। चलिए फिर से कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये 140 गुणा 3 यानी 420 है। अब 420 जमा 56 जमा 28 का योग करने पर हमें 504 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका योग 504 के बराबर होगा। तो एक बार फिर हम इसे अलग अलग तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि इसे सरल करने के ये तरीके भी हैं। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसे देखें और पता लगाने की कोशिश करें कि इसे व्युत्पन्न मतलब डिराइव और सिद्ध कैसे किया गया है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे हल करने का यही एक सूत्र है जिसे आपने अभी अभी लागू किया है। तो यहाँ सूत्र ये है कि हमने यहाँ आखिरी मान यानी 7 की घात 3/3 जमा 7 का वर्ग / 2 जमा 7/6 लिया है। यहाँ मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप खान अकेडमी की वेबसाइट पर n के वर्गों का योग का सूत्र देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि इसे कहाँ से व्युत्पन्न किया गया है। और साथ ही आप ये भी समझ जाएंगे कि समानांतर श्रेणी मतलब एरिथमेटिक सीरीज के योग का सूत्र कहाँ से व्युत्पन्न किया गया था।